ये देखिए आधा केजी मटन है, इसको हम लोग जो है आज फ्राई करेंगे। तो उसमें क्या क्या मसाला पड़ेगा वो बताता हूँ आपको। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सब हमने इसमें डाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें हम लोग डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको चाहे आप कुकर में थोड़ी देर गला लीजिए, फिर उसके बाद में फ्राई कीजिए, या ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। गला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें जो है गोश्त गल जाएगा और बस फ्राई कर। हमने कुकर में डाल दिया है, थोड़ा ये गल जाए अच्छे से, और एक सीटी लगाना है बस, मटन गोश्त जल्दी गल जाएगा। इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए हमने कुकर में सीटी लगा दी थी, गोश्त गल गया। अब इसमें हम जो है थोड़ा ये ऑरेंज कलर जो है बिरयानी वाला वो डालेंगे इसमें, ये थोड़ा कलर आ जाए फ्राई करने समय। देखिए हमने इसमें जो रेड कलर होता है जो फूड बिरयानी वाला होता है वो डाल दिया इसमें। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे, वो भी हल्के तेल में। हमने इसमें तेल डाल दिया है और बहुत हल्के तेल में हम लोग फ्राई करेंगे। ये हल्की आंच में हम इसको रखेंगे और धीमी आंच में इसको फ्राई होने देंगे, धीमी आंच में अच्छे से ये फ्राई हो जाए एक तरफ, फिर दूसरी तरफ हम पलट के दूसरी तरफ भी 15 मिनट रखेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी पलट दिया हमने, कितना अच्छा कलर आ गया है, रेडी हो गया ये। ये देखिए ये रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। और वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।